इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, आपको ई वेक्टर गिवन है आई और जे कैप में, एक्स वाई प्लेन में ई वेक्टर गिवन है, ई नॉट कॉन्स्टेंट है इन अ रीजन ऑफ स्पेस, और वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एट 0,0 पोटेंशियल वी इज जीरो, तो यानी कि ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, एंड फाइंड पोटेंशियल एट एक्स नॉट कॉमा जीरो, तो आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है एक्स नॉट, वहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में गिवन होता तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, मेरा काम एक मिनट में आ जाता। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी गिवन है, तो इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में ड्रॉ करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ई नॉट आई कैप, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई एक्सिस में टू ई नॉट जे कैप, बना लिया। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी क्लियर है यहां तक। इसके अंदर मैं काम करता हूं, मुझे यहां पर पोटेंशियल क्या गिवन है जीरो, और यहां पर पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो पहले मैं ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स लगाता हूं एक्स एक्सिस में, फिर मैं ई इज माइनस डी वी बाई डी वाई लगाता हूं वाई एक्सिस में, दो बार लगाऊंगा फिर चेक करता हूं आंसर किससे आएगा। जब मैंने एक्स में लगाया तो मान लो मैं ए से बी पे जा रहा हूं, जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है ई नॉट, dv की वैल्यू क्या होगी क्योंकि मैं a से b पे जा रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल v होगा, इनिशियल क्या होगा जीरो, तो क्या आएगा, चलो ऐसे कर लो vb माइनस va, v फाइनल पॉइंट है a इनिशियल पॉइंट है तो vb माइनस va, और क्योंकि मैं a से b पे जा रहा हूं तो डिस्टेंस के लिए x नॉट माइनस जीरो, तो b पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है v, a पॉइंट पर जीरो, सॉल्व करके v आ गया। अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां पर लगाऊं y एक्सिस में लगाऊं E इज इक्वल टू माइनस, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है इसमें टू ई नॉट, टू ई नॉट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि आप Q से P पे जा रहे हो तो P फाइनल पोटेंशियल है और ये इनिशियल पोटेंशियल है, तो क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू डिवाइडेड बाय, मान लो ये कोऑर्डिनेट y है और ये जीरो, तो y माइनस जीरो। पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे को पोटेंशियल किस में निकालना था, बी पे, वाई एक्सिस पे तो कुछ निकालना नहीं, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन लेके इसमें कोई फायदा नहीं है, हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है एक्स एक्सिस में, क्लियर है यहां तक, एक्स में ऑलरेडी आ चुका है तो वाई में जरूरत नहीं है इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने का यह पहला तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का एक और ईजी तरीका है, अगर आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, मेथड टू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर, लास्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ई वेक्टर हमें गिवन है, डी आर वेक्टर में क्योंकि पोटेंशियल एक्स एक्सिस में निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉट आई कैप लेंगे इसमें, क्योंकि एक्स नॉट डिस्टेंस में निकालना है, वाई कॉम्पोनेंट लेंगे ही नहीं, सीधा डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है वी वी माइनस वी ए, वी वी का वी है, वी ए का जीरो है, सीधा आंसर आ जाएगा, पकाने खत्म, जो मर्जी कर लो, चाहे मेथड वन फॉलो कर लो चाहे टू कर लो, कोई फर्क नहीं है, दोनों ठीक है, जो आपको पसंद है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको वी निकालना है, तो रूल वही है डी वी क्या है माइनस ई डॉट डी आर, तो आपने ई वेक्टर पुट कर लिया, अब आपको ये तो पता नहीं कि एक्स एक्सिस में है डी आर या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था डी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप,
तो यहां से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो y dx बनेगा, x dy बनेगा, क्योंकि i डॉट i वन है, j डॉट j भी वन है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिख लें, नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, y इंटू डी एक्स है, x इंटू डी वाई है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू वाई है, क्योंकि याद है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v क्या होता था, y बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, तो ये लिख दिया। अब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई की पहले डिफ्रेंसिएशन की फिर इंटीग्रेशन की, तो आंसर तो वापस एक्स वाई आएगा, तो इंटीग्रेशन और डीवी ये आंसर आ जाएगा आपको, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को ऐसा मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको सिर्फ। ठीक, ये क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए गिवन है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है कितना, 2.2, एंड बी का पोटेंशियल भी गिवन है कितना, -2.2, तो ए का गिवन है और बी का गिवन है। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कहां बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2.2, मान लो ये ओरिजिन है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2.2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.2, और सी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 2.4। तो आपको यहां के पोटेंशियल्स गिवन है, यहां पे 16 वोल्ट है, यहां पर 4 वोल्ट है, यहां पर 12 वोल्ट है। ठीक है, यहां तक आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यह बताएं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, तो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल 16 से 4 हो गया इधर जाने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इसी तरफ होगी। वो क्यों, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो अब चेक करें, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का यहां होगा। उसी तरीके से 12 वोल्ट से 4 वोल्ट हो गया तो नीचे की तरफ, तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब आप एक काम करें, अपनी कॉपी में खुद लगाएं, एक बार बी से ए पे जाएं, -dv/dx लगाएं, एक बार सी से ए पे आए, -dv/dy लगाएं, ex और ey की वैल्यू निकाल के देखें प्लीज, चेक करें स्टेप्स।
इसके अंदर आ गया आंसर। तो क्या किया आपने, एक मिनट देखो, एक्स एक्सिस में चले, एक्स एक्सिस में बी से ए पे चलते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं। तो जब बी से ए पे जा रहे हो तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी, डीवी में क्या पुट करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 16, और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस -2, ई एक्स आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक, अब वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस में मान लो मैं सी से ए पे आता हूं, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो 4 माइनस 12, और वाई कोऑर्डिनेट में 2 माइनस 4, वाई कोऑर्डिनेट लेना इसमें 2 माइनस 4, तो आपके पास ई वाई भी आ गया, ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, जो भी ई एक्स और ई वाई आया उसको पुट करके ही आंसर आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। ठीक है,